Hey my rocking ladies out there, welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रही हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक फीमेल सेंटर्ड इशू के बारे में बात करने आई हूँ, एंड दैट इज योर फेशियल हेयर रिमूवल। फेशियल हेयर एक सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द मेल्स, लेकिन फॉर द फीमेल्स ये काफी अनइनवाइटेड है। बहुत सारे टॉपिकल एप्लीकेशन हम अपने चेहरे पर करते हैं और अगर चेहरे के बाल थोड़े से ज्यादा डेंस और यू नो लॉन्गर एंड डार्कर हो जाए तो वो एप्लीकेशन सारी स्वाहा हो जाती है एंड वी रियली डोंट लाइक इट। तब हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि हम इन फेशियल हेयर को रिमूव करें और रिमूव करने के लिए शुरू होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, मैंने भी वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने सोचा लेट मी कम टू माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स एंड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू हाउ डू आई रिमूव माई फेशियल हेयर, मैंने क्या क्या चीजें ट्राई की हैं, उन चीजों के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। बिलीव मी, यू वुड वॉन्ट टू लिसन टू ऑल ऑफ इट एंड मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए बेस्ट वे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उन गर्ल्स की जिनके चेहरे पर बहुत माइन्यूट बाल हैं, बहुत हल्के हल्के बाल हैं, गोल्डन बाल हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। गर्ल्स यू आर लकी, प्लीज डू नॉट फॉल प्रे फॉर एनी वैक्सिंग, थ्रेडिंग और शेविंग, कुछ मत कीजिए। जस्ट जेल्स एंड क्रीम से उनको सेटल कर दीजिए एंड दैट विल बी ग्रेट। यू वुड नॉट वॉन्ट द पेन ऑफ रिमूविंग द फेशियल हेयर एवरी मंथ एंड डूइंग समथिंग और द अदर फॉर योर सेल्फ। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने बालों के लिए, वॉट यू कैन डू इज आप कर सकते हैं ये। इस प्रोसेस के लिए आपको चाहिए एक वाइट और नॉर्मल टिश्यू पेपर्स। जिस भी एरिया से आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पर एक कोट कर दीजिए एग वाइट का यूजिंग अ फेशियल ब्रश, एंड उसके बाद आप उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर ले लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा एरिया है आप उसको रिमूव कर दीजिए एंड इसके ऊपर आपको वापस एग वाइट अप्लाई करना है। एक बार फिर से स्टिकी हो जाए तो आप दोबारा टिश्यू पेपर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है जब तक एक थिक लेयर आपके फेस पर आ नहीं जाती। कितनी थिक ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 टिश्यू पेपर्स यूज़ किए हैं। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसको ऊपर की तरफ रिमूव कीजिए। रिमूव करते हुए आपके जो बारीक पीची फेशियल हेयर हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। ये आपको थोड़े लंबे समय के लिए करना पड़ेगा लेकिन ये आपको परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। तो ये तो हो गया फॉर दोज पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, जो लोग एग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई वुड से आप मेरी इस वीडियो को एक बार प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर मैंने एक मेथड शेयर किया है जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर अबाउट इट्स यूसेज। अनदर ऑप्शन फॉर द वेजिटेरियन पीपल वुड बी आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, अ पिंच ऑफ हल्दी ले लीजिए और इसमें आप ले लीजिए थोड़ा सा गुलाब जल और इस पेस्ट को आप अपने बालों की डायरेक्शन में लगा लीजिए। लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड देन वेट हैंड से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रिमूव कीजिए। अगेन यू हैव टू यूज इट लाइक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड रेगुलरली टू सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। हल्दी आपकी स्किन को हील करती रहती है जहां से भी बाल बाहर आते हैं एंड अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव दैट मच डेंसिटी ऑफ हेयर एट दैट पर्टिकुलर एरिया। अब हम बात करते हैं उन सेक्शन ऑफ गर्ल्स की जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा डार्क, थिक और डेंस बाल होते हैं। ऐसे फेशियल हेयर के ऊपर किसी भी प्रकार का टॉपिकल एप्लीकेशन, मे इट बी क्रीम्स, जेल्स, ऑयल, फाउंडेशन, कुछ भी आप लगा दीजिए, इट लुक्स शैबी क्योंकि प्रोडक्ट लग जाता है बालों में और बाल हो जाते हैं हे वे, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बहुत बुरा दिखता है। क्या ऑप्शंस हैं? नथिंग एल्स देन गेटिंग रिड ऑफ देम। अब कैसे गेट रिड ऑफ देम किया जाए? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों के साथ बारी बारी सारे के सारे ऑप्शंस शेयर कर रही हूं। हर ऑप्शन से रिलेटेड 4 डायमेंशंस में आपसे बात करूंगी। नंबर 1, द ड्यूरेशन, कितने देर के लिए वो आपके लिए काम करेगा। नंबर 2, क्या उसमें पेन होगा, इज इट पेन फ्री और पेन लेस। 3, क्या वो DIY सेफ है, क्या उसे आप खुद कर सकते हैं। या फिर नंबर 4, दैट इज योर साइड इफेक्ट्स, उसको यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका इज योर टॉपिकल प्रिस्क्रिप्शन। टॉपिकल प्रिस्क्रिप्शन इज व्हेन यू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट और वो आपको एक वैक्स लिख के देते हैं, विच इज प्रेफरेबली अ कोल्ड वैक्स, जो आपको अपने चेहरे पर लगानी होती है और बहुत स्मूथली रिमूव करनी होती है, तो आपके जो फेशियल हेयर है वो काफी कम हो जाते हैं। कितनी देर के लिए कारगर है? देखिए, जब मैंने इसको सबसे पहली बार ट्राई किया था तो इट वर्क्ड फॉर मी फॉर अ मंथ, आई वाज रियली हैप्पी। लेकिन गोइंग टू द डर्मेटोलॉजिस्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन वाला वैक्स होता है, यू डू नॉट गेट इट अदरवाइज, सो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल यू नो डूइंग इट अगेन एंड अगेन। पेन बिल्कुल नहीं हुआ, इट इज वेरी वेरी ईजी, आपको हल्का सा गर्म करके लगाना होता है, बट वेन यू रिमूव इट वो ठंडा हो जाता है, इट्स वेरी वेरी फाइन। इट इज एग्जैक्टली लाइक द कटोरा वैक्स दैट वी डू इन द पार्लर।
देन इज योर DIY एब्सोल्युटली, ये मैंने खुद किया था एंड साइड इफेक्ट्स एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, डॉक्टर ने खुद प्रिस्क्राइब किया है, नो साइड इफेक्ट्स। सेकंड इज योर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए हम सभी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, हम जानते हैं थ्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। आई थ्रेड माय आईब्राउज एंड माय अपर लिप्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप अपने आईब्रोज और अपर लिप्स खुद कैसे कर सकते हैं, बट दैट वॉज ड्यूरिंग द क्वारंटाइन टाइम, कि जब हम लोग यू नो घर पर थे, सब कुछ खुद हो रहा था, दैट्स वेन आई शेयर इट। सो अब तो काफ़ी चीज़ें गॉड्स ग्रेस ठीक हो गई हैं एंड यू कैन यूज़ द सर्विसेज आउटसाइड ऑल्सो, बट बी केयरफुल स्टिल। तो थ्रेडिंग का जो मैकेनिज्म है वो है कि आपके बालों से, बालों को जड़ से निकाल देता है एंड देयरफॉर इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं कि आईब्रोज एंड अपर लिप्स के लिए तो हम यू नो कंफर्टेबल हो ही जाते हैं, लेकिन अपने साइड बर्न्स को मैंने जब थ्रेड किया, बिलीव मी, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ है ही नहीं। इट वॉज सो पेनफुल, इट इज़ टॉर्चरिंग योर सेल्फ। सो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप थ्रेडिंग कराएं। ऑल्सो जो लेडीज करा रही हैं थ्रेडिंग, आप स्ट्रेच करते हैं अपनी स्किन को थ्रेड कराने के लिए, विच इज़ नॉट हेल्दी। इसीलिए थ्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलूंगी। ड्यूरेशन ऑब्वियसली 4 weeks है, विच इज़ ग्रेट। पेन, इट इज़ हेल लॉट ऑफ अ पेन एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं इसको कम्प्लीटली कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड देन इज़ योर DIY, येस इट इज़ DIY अगर आप यू नो कम्फर्टेबल हो जाएँ, अदरवाइज आप बाहर से कराइए। एंड देन इज़ योर साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं थे, कोई एक्ने, कोई पिम्पल, कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज परफेक्ट। लेकिन बिकॉज ऑफ द पेन, आई एम सॉरी, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। नंबर 3 इज योर वैक्सिंग। हम सभी वैक्सिंग के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई हॉट वैक्स ओवर हियर, पुट अ स्ट्रिप एंड यू पुल इट। बट बिलीव मी, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ वेरी स्ट्रांग झापड़। इतनी तेज मुझे लगा था, आई रियली के नॉट टेल यू। ऑब्वियसली वन टाइम है, लेकिन इट वॉज पेनफुल फॉर श्योर। ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छा ड्यूरेशन नहीं था, मुझे 2 weeks के बाद ही ग्रोथ दिखने लग गई थी, सो विच इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेबल। देन इज़ योर पेन, भाई साहब ओ खतरनाक पेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन, सो इस वजह से नो। थर्ड इज़ योर क्या कहते हैं इसको, DIY तो बिल्कुल ही मत करना, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी पेनफुल, डोंट ट्राई। एंड फोर्थ इज़ योर साइड इफेक्ट ये थे कि मुझे बहुत सारे एक्ने आ गए थे उस एरिया में। नॉट ओनली दैट, आपके जो पोर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा विजिबल हो गए, क्योंकि आपका जो ऊपर का पूरा बैरियर है, जो यू नो नेचुरल बैरियर आपके स्किन का, वो तो आपने उड़ा दिया वैक्स से, तो ऑब्वियसली बात है ना, परेशानियाँ तो ऑब्वियसली होनी है। इसीलिए वैक्सिंग इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई एंड, उसको भी हम करके त्याग चुके हैं और यही रिकमेंड करेंगे कि आप भी ना इस्तेमाल करें। नंबर 4 इज योर ट्वीजिंग। ट्वीजिंग इज अ छोटा सा चिमटी जिससे आप अपने अनवांटेड बालों को बारी बारी निकाल सकते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको कि बारी बारी बाल निकालेंगे, तब तक तो हो गया। ट्वीजिंग इज फाइन अगर आपके यू नो एक्स्ट्रा हेयर रह गए हैं आईब्रो में जो नहीं निकल रहे हैं थ्रेडिंग से, तो आप ट्वीजिंग से निकाल लीजिए, अपर लिप्स पे आप निकाल लीजिए। कुछ लोगों को बहुत स्पेशल बाल होते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे एक ही बाल है, वो पता नहीं क्यों आता है वो, तो उसको मैं ट्वीजर से हटा लेती हूँ। सो दैट्स हाउ ट्वीजिंग कैन हेल्प यू आउट। ड्यूरेशन कुछ खास नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते आप, लेकिन ठीक है, अगर आप ट्वीजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉर्मल थ्रेडिंग के जैसा ही काम करता है। पेन, बहुत पेन होता है सर जी, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब एक एक बाल निकाल रहे हो, दैट्स अनदर थिंग। आईब्रो में बिल्कुल पेन नहीं होता है क्योंकि आदत हो गई है, लेकिन कहीं और करेंगे तो बहुत भयंकर दर्द होता है, नो डाउट इन दैट। DIY बिल्कुल DIY है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि पेशेंटली ट्राई कीजिएगा। अगर यू नो पैनिक होके करते हैं तब भी यू कैन हर्ट योर सेल्फ एंड अगेन इट विल बी पेनफुल। एंड फोर्थ इज योर साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि आप ट्वीजर से खुद को ही चोटी मार दीजिए, हाँ ये हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि हम बालों को पकड़ना चाहते हैं, अब एक सिंगल बाल को पकड़ना है, एट टाइम्स हम स्किन को पकड़ लेते हैं, सो इट कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ यू नो ट्रबल समथिंग, तो बस यही साइड इफेक्ट है, नथिंग एल्स। नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ माई फेशियल हेयर रिमूवल इज शेविंग। जी हाँ, मैं अपने चेहरे को शेव करती हूँ। शेव से मेरा मतलब वो नहीं है कि मैं यू नो दाढ़ी बनाने वाला शेव नहीं, लेकिन देर इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द आईब्रो रेजर, लाइक सो मैचिंग ऐसा होता है ये, राइट? एंड इससे यू रिमूव योर फेशियल हेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या मिथ है इसके अराउंड। सबसे पहला मिथ कि इसके बाद जो बाल आते हैं वो आदमियों जैसे आते हैं। आई हैड ऑल ऑफ दीज डाउट्स गर्ल्स,
लेकिन मैं इसको बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज आई वॉज फेड अप विद यू नो डूइंग समथिंग और द अदर फॉर द फेशियल हेयर. सो आई हैड टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन टू इट. मैंने सोचा कि मैं वो जो जिलेट वाला आता है लेडीज रेजर, मैं वो ट्राई करूँ. बट देन आई थॉट मे बी आई शुड गिव दिस अ ट्राई. काफ़ी सुना था एंड दिस इज जस्ट लाइक डर्मा प्लानिंग. आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके कभी डर्मा प्लानिंग अगर कराना चाहते हैं तो वो यही करते हैं कि वो आपके चेहरे पर एक यू नो पहले क्लीन करके एक सोल्यूशन लगाते हैं एंड देन वो इसी रेजर से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं. यानी कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन अलॉन्ग विद द हेयर हटा दिया जाता है तो आपकी जो इनर स्किन होती है वो एक्सपोज ऑफ हो जाती है. अब उस इनर स्किन को प्रोटेक्ट करना इज द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दैट्स ऑल. कोई आदमी हो जैसे बाल नहीं आते, कोई आपके जो क्लॉग पोर्स हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो जाते, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं. मैं इसको एक साल से ट्राई कर रही हूँ. अब काफ़ी ज़्यादा यू नो वक्त हो चुका है मुझे फेशियल हेयर इससे रिमूव करते हुए. मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको ट्राई किया इट वॉज यू नो अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि यू फील योर स्किन एब्सोल्युटली अमेजिंग. क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर तो चली गई ना, तो अंदर की स्किन फील्स अमेजिंग. ड्यूरेशन मैंने शायद लास्ट टाइम ट्राई किया है 4 से 5 महीने हो चुके हैं और ये इतनी 4-5 महीने की ग्रोथ है. यानी कि मैं 3 महीने बाद जब करती हूँ 3 महीने तक आराम से चल जाता है एक बार का यू नो एक्सफोलिएशन एंड यू आर गुड टू गो फॉर 3 मंथ्स फॉर श्योर. एंड काफ़ी ज़्यादा लाइटन ग्रोथ आपकी हो जाती है. और जिनको लगता है कि बहुत थिक बाल आते हैं, आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सॉफ्ट बाल हैं. मैं अगर नहीं भी करूँ तो नहीं दिख रहा है, बट आई एम गोना शो यू हाउ इट इज़ टू बी डन. ऑल्सो इसको जब आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, यू नो फेस रिमूव सॉरी फेशियल हेयर रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको ख्याल ज़्यादा रखना है, क्योंकि रिमूव करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप बाल नीचे की तरफ उग रहे हैं, आप इसको नीचे की तरफ रिमूव करेंगे, कभी ऐसे उल्टा करना ही नहीं है, सिर्फ नीचे 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 रिमूव करेंगे, दैट्स ऑल. अगर आप इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब आपको बम्प्स का इशू हो जाएगा आपकी स्किन पे ना. मेरे यहाँ पर है थोड़ा सा बम्प्स क्योंकि मैंने उल्टा रेजर कर दिया होगा कभी, सो वो बम्प्स का इशू है एंड वो काफ़ी लंबे अरसे से है. तो इसीलिए आप ये गलती नहीं करना चाहेंगे. जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको इसे रिमूव करना है. ये हो गया. इसके बाद आपको एक फेशियल ऑयल लगाना ही लगाना है. हमें फेशियल ऑयल के लिए हम कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, ठीक है. या फिर आप अगर फेशियल ऑयल स्टार्ट करना चाहते हैं गर्ल्स, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए. बायो ऑयल इज़ एन अमेजिंग फेशियल ऑयल फॉर यू. आप ट्राई कीजिए. हाँ ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए होता है, हाँ ये इन चीज़ों के लिए है, लेकिन इट इज़ एन एक्सेलेंट फेस ऑयल. आई हैव ट्राइड इट सिंस वेरी लॉन्ग. प्लीज़ गो फॉर इट. काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ सॉल्व हो जाती हैं. तो इसीलिए जैसे ही आप अपना यू नो पूरा शेव कर लें, देन अप्लाई योर फेशियल ऑयल ओवर हियर. इट्स दैट सिंपल. प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आपकी इंटरनल स्किन एक्सपोज हो रखी है, धूप में जाइए ही मत. मैं बोल सकती हूँ कि आप सनस्क्रीन लगाइए, प्रोटेक्ट करके जाइए, लेकिन नहीं हो पाता. इसीलिए डोंट गो इन द सन फॉर 2 डेज. 2 दिन लगते हैं आपका वो सेल डिविजन होके वापस से वो कवरिंग आने में. तो 2 दिन के लिए डू नॉट अटेम्प्ट टू बी सुपर वुमन. घर पे रहिए, आराम से रहिए. फ्राइडे को कर लीजिए, सैटरडे संडे छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं है. एंड दैट्स हाउ यू प्लान योर फेशियल दिस थिंग. इससे होगा ये कि आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट अनुभव करने नहीं मिलेगा. ये काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान है. इनफैक्ट मुझे बिल्कुल इट वाज अ लिबरेटिंग थिंग फॉर मी. मैं काफ़ी खुश हूँ इसको इस्तेमाल करके. 1 साल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है. आई एम वेरी हैप्पी यूजिंग द फेशियल हेयर रिमूवल बाय दिस रेजर. डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. आई डोंट नो हाउ टू फोकस इट हियर, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ डू आई रिमूव इट. प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना पूरा का पूरा वो स्किन एरिया क्लीन करना बहुत आवश्यक है जहाँ पर आप शेव करना चाहते हैं. मैंने यहाँ पर बायोटिक का क्यूक्यूम्बर टोनर इस्तेमाल किया है अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट द स्किन इज़ एब्सोल्युटली ड्राई, क्योंकि गीली स्किन पर आप अच्छे से शेव नहीं कर पाएंगे. वंस द स्किन इज़ ड्राई, आप बालों की डायरेक्शन में यानी कि ऊपर से नीचे रेजर को धीरे धीरे मूव करेंगे. प्लीज़ डू नॉट पैनिक, क्योंकि पैनिक करने की वजह से आप अपने आप को कट्स या ब्रूजेज लगा सकते हैं. इसीलिए आराम से कामली बालों की डायरेक्शन में रेजर को धीरे धीरे मूव कीजिए. क्योंकि माइक मेरे काफ़ी करीब था इसीलिए रेजिंग की जो आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर है.
Yes, I intended to sing. Please don't do that. It is not safe. Yes, बाल गिरेंगे. Please make sure कि आप किसी ऐसी जगह पर करें कि बाल अगर गिरें तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. Doing it on the other side, obviously आपको रेजर को थोड़ा डायरेक्शन चेंज करनी होगी. The peachy hair would be out in seconds. Believe me, इतना क्लीन आपको फील होगा that you will be very very happy. Also, please make sure कि जैसे जैसे आपके चेहरे में कर्व्स आने लगे, आप अपने रेजर को उतनी ही डिग्री से मूव करने लगे. सुनने में काफ़ी टेक्निकल लग रहा है, बट बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको आदत हो जाएगी. मैं यहाँ पर अपनी स्किन को स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि बालों का जो रेजर से रिमूवल है वो काफ़ी आसान हो जाए. आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पीछे हेयर निकल रहे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे अरसे से शेव नहीं किया था. अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी. एंड इतना एक्सट्रैक्शन हुआ है मेरे चेहरे से. सो द फाइनल टचअप्स, ऑब्वियसली आपको जहाँ पर भी लगे कि यू नो अ लिटिल बिट ऑफ हेयरी एरिया, आप उनको रिमूव कर सकते हैं. द एंटायर चीक एरिया आप अपने चीक बोन के पास रिमूव कर सकते हैं, आप अपने नेक रीजन में रिमूव कर सकते हैं. चिन, बीनीथ द चिन, प्रॉपर रिमूवल जहाँ जहाँ आपको लगता है दैट इट रिक्वायर्स टू बी रिमूव्ड, प्लीज़ गो अहेड. वंस यू आर डन, प्लीज़ क्लीन योर फेस प्रॉपरली. फेस क्लीन करने के बाद आप अच्छे से फेस ऑयल जो भी आप लगाते हैं, जो भी कंफर्टेबल है, नहीं है तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बायो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जेंटल हैंड्स के साथ पूरे के पूरे फेस पर प्रॉपरली अप्लाई कीजिए. यू डोंट वॉन्ट एनी रैशेज ऑन योर फेस. सो माई ब्यूटिफुल लेडीज, द स्किन इज एब्सोल्युटली यू नो बहुत सॉफ्ट फील हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली द हेयर आर गॉन. ऑयल का एप्लीकेशन हुआ है. कोई केमिकल ट्रीटमेंट आप अपने चेहरे पे इसके बाद मत कीजिए. दिस इज़ द मेथड आई प्रिस्क्राइब वेरी स्ट्रांगली. दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ. मेरी स्किन को कोई परेशानी नहीं हुई है. इट इज़ एब्सोल्युटली हैप्पी एंड खुश रहती है. एंड मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर. दिस इज़ माई फेवरेट मेथड एंड आउट ऑफ ऑल द मेथड्स दैट आई हैव यू नो डिस्कस्ड विद यू, दिस इज़ माई फेवरेट मेथड. सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. अगर आपको मेरा काम, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. लाइक द वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए. टू ऑल माई करंट सब्सक्राइबर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. आप और लोगों को भी अपनी फैमिली से अटैच कीजिए. इट वुड बी ह्यूज फॉर मी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग वेरी मैजिकल फॉर यू. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ऑब्वियसली प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए. टेक केयर गाइज, बाय.